यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को गुमान है यही वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा वंश वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण कौरव और कंस का अंत देख लो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, वह एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ।
परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार से हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण भली भांति संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी अस्थाई नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार का सुगंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है, वो ना तो कभी था ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वह इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में ये भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ।